नमस्कार। तो आज हम इंडिया अंडर 23 टीम की बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारी टीम काफी अरसे बाद, मतलब अगर आप पर्टिकुलरली अंडर 23 टीम की बात करें, तो हमने लास्ट अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स खेला था। आप एशियन गेम्स को हटा सकते हैं, बिकॉज उसमें हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं। तो मतलब हमारी टीम 5 दिन की प्रिपरेशन पे मलेशिया के अगेंस्ट खेलने गई है। तो अगर आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन होगी काफी बड़ी कि हमारी टीम को जीतना चाहिए, हमारी टीम को ऐसा गेम प्ले करना चाहिए, हालांकि एक दुख की बात है कि हमको इस मैच का कोई स्ट्रीमिंग अवेलेबल नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो वो एक दुख है कि हम देख ही नहीं पाएंगे कि हमारे किन टैलेंट्स को लिया गया है तो वो कैसा खेल रहे हैं, है ना, जिनको लिया गया तो कैसा खेल रहे हैं, ये हमको दिख नहीं पाएगा। और एक और चीज़ है कि कल जो है मैंने इंडियन फुटबॉल टीम के लिए प्रेडिक्ट किया था लाइनअप, जिसमें सहल को मैंने रखा था, मतलब अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और सुनने में आ रहा है कि वो इंजर्ड किसी ने, तो मतलब मेनली था कि यार सहल को हमने एशिया कप में भी नहीं देख पाए थे, एटलीस्ट इधर देखना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा थी। हालांकि ये चलिए अभी हम अंडर 23 की बात करें, तो देखिए मैं मैच की बात करूं, लाइनअप प्रेडिक्ट करूं, उससे पहले मैं थोड़ी दिल की बात भी कर लूं आपसे कि क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये कोई ड्रामा तो नहीं कर रही है कि अंडर 23 की हमने काफ़ी बातें करी अभी कुछ दिन पहले कि अंडर 23 टीम को क्यों नहीं खिलाते, अदर एशियन कंट्रीज खेल रही है, तो क्या ये एक ड्रामा है कि वो एक ऐसा फ्रेंडली खिला के बता रहे कि यस वी आर वर्किंग। तो इसमें ये मैं चाह रहा हूँ कि आपने कोच रखा है, सडनली आपने कोच चूज किया है, आपने टीम बनाई है, सडनली बनाई है, आपने 5 दिन के कैंप में मलेशिया के अगेंस्ट भेज दिया। बात तो तब होगी जब आप इस टीम को हमेशा हर थोड़े टाइम में फ्रेंडलीज पे भेजोगे, हर थोड़े टाइम पे जब भी कोई इंटरनेशनल कुछ भी होता है, विंडो आती है, तब आप इस टीम के ऊपर भी ध्यान दोगे। इस बात की कोई गारंटी लेगा क्या, इस बात की कोई गारंटी फैंस को कोई देगा क्या, ये है। क्योंकि इस टाइप के ड्रामे हम पहले भी देख चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, बट इफ वी आर मतलब लिटरली हम सोच रहे हैं ना डेवलपमेंट के लिए, तो ये टीम, ये प्लेयर्स, ये कोच, ये ऐसे ही रहना चाहिए एंड इनके मैचेस भी होते रहना चाहिए समय समय पर। ऐसा नहीं कि अब इनको साल भर के कैंप में बिठा देंगे, ऐसा तो नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट जैसे अदर एशियन कंट्रीज खिलाती है, वक्त वक्त पे उनकी यूथ टीम्स को खिलाते रहती है, वैसे इनको हमको करना है। तो ये बस मेरी एक दिल की बात है जो आप भी चाहते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि यार हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, ऐसे 5 दिन कैंप करके टीम्स के अगेंस्ट खेलने से थोड़ी होगा। क्योंकि अगर हम मलेशिया की बात करें, उनकी ये टीम कब से है, भाई पिछले साल से, पिछले साल उन्होंने 15 मैचेस खेले, हमने कितने खेले, आप क्वालिफायर्स वाले मैच हटा दो तो हमने तो खेले ही नहीं है, है ना, उन्होंने तो भाई 15 मैचेस खेले, देन अभी वो फिर अभी मैचेस खेल रहे हैं उनकी, क्योंकि वो तो सोचो वो टीम अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाइड, हम नहीं है, बिकॉज बिना प्रिपरेशन के आप क्वालिफायर्स खेलने गए थे, वहाँ पे मुंह की खा के आए, देन आप हर चीज़ बिना प्रिपरेशन के करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी ना कुछ मिलेगा, कोई हलवा तो है नहीं कि बाकी लोग जो है बैठे हुए हैं कि इंडिया आके लेके सब चली जाएगी। तो ये एक छोटी सी दिल की बात है। अब अगर हम मैच की बात करें, तो देखिए इस मैच से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिएगा, बस ये एक ये है कि एक्सपोजर है हमारे अंडर 23 प्लेयर्स के लिए, उन प्लेयर्स के लिए एक्सपोजर है जिनको हम फ्यूचर में सीनियर टीम में देखना चाहते हैं कि ये प्लेयर्स खेलेंगे, तो उनके लिए एक्सपोजर है क्योंकि क्लोज डोर है। तो एक था कि कैसे खेलते हैं हमारे प्लेयर्स नेशनल टीम में, वो देखने मिलता, क्या इन प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन जम रहा है वो देखने मिलता, थोड़ा बहुत, उतना तो जमेगा नहीं ऑब्वियसली, तो वो एक था, तो चलिए वो तो नहीं देखने मिलेगा, लेकिन एक वो है कि मलेशिया की अगर हम बात करें भाई, तो वो टीम काफ़ी पैक्ड है, क्योंकि वो टीम काफ़ी टाइम से एक साथ है, प्रिपरेशन चल रही है, कैंप चल रहा है, फ्रेंडलीज वो खेलते रहते हैं, अच्छी अच्छी टीम से खेलते रहते हैं, तो उनकी टीम नो डाउट अच्छा ही करने वाली है, और इंडिया को अगर बीट भी करेगी तो सरप्राइज मत होना। लेकिन अगर हमारी टीम उनको बीट कर दे या हमारी टीम उनके अगेंस्ट ड्रॉ भी कर ले, तो इट विल बी सरप्राइजिंग कि एक टीम जो अंडर 23 के लिए प्रिपरेशन कर रही है, क्वालिफाइड है, जो प्रिपरेशन कर रही है, वो टीम इंडिया को कुछ नहीं कर पा रही, तो ये उनके लिए बहुत बुरी बात है, उनके मैनेजमेंट पे सवाल उठेंगे, उनके स्टाफ पे सवाल उठेंगे। तो बस यही कि हमारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करें, जो मैं ऑब्वियसली आपको गेम हो जाएंगे उसके बाद पर्सनली किसी प्लेयर से बात करके बता दूंगा कि एक्चुअली वहाँ पे किस टाइप के गेम हुए, किस टाइप का गेम प्ले रहा, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा बाद में। अब अगर हम इस मैच में एक ये देखें कि कैसा गेम प्ले हो सकता है, तो जैसा कि नौशाद मूसा साहब ने कहा कि हम वैसा ही खिलाएंगे जैसा हमारी नेशनल टीम खेलती है, तो नेशनल टीम आपको पता है कि अभी थोड़ा बहुत तो बॉल पोजेशन भी खेलते हैं हम लोग, अटैकिंग फुटबॉल भी खेलते हैं, ये सब चीज़, और डिफेंस हमारी बहुत टाइट है, और जिस तरीके के प्लेयर्स भी लिए गए
वेरी क्रिएटिव, मैं बोल सकता हूँ कि स्क्वाड है हमारा बहुत क्रिएटिव, जितने भी प्लेयर्स लिए हैं दे ऑल डिजर्व टू बी देयर, मतलब क्वालिटी है, सभी बंदों में क्वालिटी है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसमें नहीं है उसमें नहीं है, है दिखिए क्वालिटी, ठीक है। तो अब अगर हमें देखें कि क्या एक प्रिडिक्टेड लाइनअप हो सकती है, क्योंकि गेम प्ले तो इस टाइप का रहेगा और कैसा होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है, बिकॉज ये अंडर 23 को हमने देखा ही नहीं है अभी, हमने एशियन गेम्स में देखा, वहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो ऐसे ही खेल लिया था, उसको क्वालिफायर्स के पहले देखा उसमें भी ऐसे ही खेल लिया था। तो टीम के ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे गेम प्ले को लेकर, एक्चुअली में ये कोई नहीं कर सकता, केवल कोच ही बता सकते कि हम कैसा खेलने वाले हैं, क्योंकि हमने मैचेस, हमने ना तो इनके कोई फ्रेंडली देखे ना कुछ देखे, ये भी नहीं देख पाएंगे। तो दो मैच है तो पहले मैच में क्या हुआ, सेकंड मैच में क्या करेंगे वो भी नहीं बता सकते। और देखिए थोड़ा तो हमको है डिफेंसिव थोड़ा खेलना पड़ सकता है, बिकॉज मलेशिया इज बेटर, मतलब बेटर कंडीशन में अभी की सिचुएशन, तो इस टाइप का थोड़ा हो सकता है। और मैं बस ये चाह रहा हूँ कि हम कोई ह्यूमिलेटिंग डिफीट ना ले लें, अगर लूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है, या ड्रॉ कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी में इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन तो कुछ नहीं है मेरी, बस मैं अपने प्लेयर्स वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें, उनको एक कॉन्फिडेंस मिले, उनको एक बूस्ट मिले कि हम नेशनल टीम में भी जाएंगे आगे, सीनियर टीम में, ये मैं चाहता हूँ। और अगर हम स्क्वाड, आपको पता है स्क्वाड बहुत अच्छा चूज़ किया गया है, और अगर हम एक लाइनअप की बात करें या फॉर्मेशन की बात करें, तो जैसा कि नौशाद मूसा के स्टेटमेंट आया है कि हम एक नेशनल टीम जैसा खेलते वैसे खेलेंगे, तो नेशनल टीम में दो तीन फॉर्मेशन का यूज़ किया जा रहा है, 4-2-3-1, 4-3-3, बहुत ही रेयर में 4-4-2 भी खिलाते हैं। और देखिए नौशाद मूसा जिस आईएसएल क्लब में काम करते हैं वहाँ पर जो कोच है जिनके अंडर वो काम करते भी, तो वो भी 4-2-3-1 से मोस्टली प्रेफरेंस उनकी रहती है। तो मैं भी थोड़ा स्लाइटली सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 4-2-3-1 भी हो सकता है, बिकॉज वो एक ऐसी फॉर्मेशन है जिसमें हम डिफेंस भी अच्छा कर सकते हैं, देन कभी अटैक करेंगे तो उस पर भी हम एक अच्छे न्यूमेरिकली जा सकते हैं। और एक बेटर है कि आपके पास दो CDMs भी है, और है ना ये चीज़ें, आपके पास अटैकिंग में भी अच्छे प्लेयर्स हैं, तो आप अगर आपके ऊपर सेंटर चैनल से अटैक हो रहा है या आपके पास बहुत एग्रेसिवली अटैक हो रहा है तो भी आप उसको मैनेज कर सकते हो, तो मे भी 4-2-3-1 से जा सकते हैं, ये मेरा प्रिडिक्शन कहता है। और अगर लाइनअप की बात करें, देखिए प्रभु सुखन गिल अभी बहुत अच्छे फॉर्म में है तो वो गोलकीपर हो सकते हैं। देन देखिए लेफ्ट बैक में थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, क्योंकि एक्चुअली में लेफ्ट बैक जो कहेंगे तो संदीप जो है तो ये एक्चुअली में लेफ्ट साइड ही खेलते हैं, तो ये भी मेरे हिसाब से वहाँ पे उनके अलावा कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं है जो लेफ्ट फुटेड है, इसलिए मैं वहाँ पर संदीप को देख रहा हूँ एक प्रेडिक्टेड लाइनअप में। देन स्टॉपर में ऑब्वियसली नरेंद्र और विकास का कॉम्बिनेशन आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि नरेंद्र एक थोड़ा सा सीनियर टीम का भी एक्सपीरियंस लेके आते हैं, थोड़ा एक एक्सपीरियंस है उनके पास। देन विकास जो है वो भी काफी स्ट्रांग डिफेंडर है, तो मैं समझता हूँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। हालांकि देखिए हॉर्मीपाम भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी शायद यहाँ पर विकास और नरेंद्र के साथ जाया जा सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। हालांकि अगर यहाँ पर हॉर्मीपाम भी हो तो कोई मतलब मेरे लिए सरप्राइज नहीं रहेगा, बिकॉज वो भी उतना ही डिजर्व करते हैं जितना कि नरेंद्र या विकास करते हैं, तो मे बी हॉर्मीपाम भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देन राइट साइड में नो डाउट मैं रवि के साथ ही जाना चाहूँगा, बिकॉज रवि को अगर आप विंगर पे खिलाते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास कम हो जाएगा, तो इसलिए आप रवि को आप जो है साइड बैक पे खिलाएं, क्योंकि वो बहुत ही अटैकिंग माइंडसेट वाले जो है फुलबैक है, वो पूरा आगे भी जाएंगे। देन CDMs में अभिषेक और विभिन का कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी डेडली नजर आता है, क्योंकि आप देखिए अभिषेक मोहन बगान में जिस टाइप का परफॉर्म कर रहे हैं, विभिन जिस टाइप का केरला में परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये दोनों प्लेयर्स मतलब सरप्राइज कर रहे हैं, तो इन दोनों को मैं बिल्कुल नो डाउट ये होना ही होना है। देन आगे अटैकिंग मिड में मैं जोथन पुया को देख रहा हूँ, बिकॉज द वे ही इज प्लेइंग इन हैदराबाद FC, तो मतलब बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस। तो देखिए मैं जोथन पुया को ऐसे अटैकिंग में देख रहा हूँ कि वहां से गेम प्ले क्रिएट कर सकते हैं। देन लेफ्ट साइड पे ईसाक देखिए इमर्जिंग, मतलब बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर, हालांकि देखिए मोहम्मद सनन भी उस पोजिशन में बहुत खतरनाक है, लेकिन ईसाक जो है वो जिस टाइप से उड़ीसा में अपना एक इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं हर गेम में, मतलब कि असिस्ट स्कोरिंग, तो उस वे में मैं ईसाक को थोड़ा बेटर मान रहा हूँ अभी सनन के मुकाबले स्लाइटली, तो मैं ईसाक के साथ जाना चाहूँगा। देन राइट साइड पे मैं विष्णु के साथ ही जाना चाहूँगा, बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन ईस्ट बंगाल, और विष्णु मेरी प्लेइंग में तो जाएंगे अंडर 23 के लिए। और आगे देखिए स्ट्राइकर में भी ऑप्शंस बहुत है, जैसे कि अगर मेनली नाम में लेना चाहूँ, वैसे तो काफ़ी नाम है, लेकिन जैसे गुरकिरत को हम देखते हैं, पार्थिव गोगोई के नाम आते हैं कि बेंगर बॉय, लेकिन देखिए शिवशक्ति जो है ना, शिवशक्ति के साइड से थोड़ी ज़्यादा स्लाइटली कंसिस्टेंसी मुझे दिखती है स्कोरिंग को लेकर या गेम प्ले को लेकर। हालांकि इस सीजन का परफॉर्मेंस उनका थोड़ा बेकार है, बट आई थिंक कि पार्थिव गोगोई को थोड़ा बाद में लेकर आया जा सकता है, या गुरकिरत को भी जो है बाद में लेकर आया जा सकता है सब्स्टिट्यूट में, शिवशक्ति के साथ स्टार्ट किया जा सकता, बिकॉज ही इज मतलब हैविंग बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पर, और स्कोरिंग भी कर सकते हैं, इफ़ यू विल गेट चांसेस स्कोरिंग भी कर सकते हैं। हालांकि पार्थिव गोगोई भी अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, और अगर यहाँ पर डबल स्ट्राइकर के साथ अगर हम इन केस जाते हैं तो मे भी उसमें सोचा जा सकता है कि पार्थिव गोगोई या गुरकिरत आ सकते हैं। हालांकि इरफान यादव भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हालांकि उतना स्कोरिंग है वो कुछ आपको देखने को नहीं मिली होगी उनके साइड से,
बट ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल और जो भी है, लेकिन मैं मतलब मेरी जो एक प्रेडिक्टेड लाइनअप मैं कहना चाहूंगा तो वो ये हो सकती है। तो ये थी मेरी ओपिनियन, आपके क्या ओपिनियन है इस मैच को लेकर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, कि आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन है या मेरी तरह कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप बस एक अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं प्लेयर्स की साइड से, एक अच्छा एक्सपोजर उनको मिले, उनको कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको मोटिवेट हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी यही चाहते हैं, या आपके कुछ अदर थॉट्स हो या ओपिनियंस हो, या आप डेवलपमेंट जो हमारी AIFF के साइड से U23 के लिए सोचा गया आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में बातें हैं आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।